टेक्निकल फिरोज फ्रॉम एशिया टेलीकॉम। दोस्तों, आज हमारे पास MI का 3S Prime एक हैंडसेट है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है इसको। ये मोबाइल हमारा जो है सेकेंडरी में फुल शॉटिंग है, सेकेंडरी लाइन में शॉटिंग है। अगर आप वीबेट में इसको देखते हैं तो यहाँ पे शॉटिंग नहीं दिखाएगी। और इसमें MSM8937 CPU लगा है और पावर IC लगी है, PM8937 PM लगी है इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमने जब इसको मल्टीमीटर से चेक किया तो यहाँ पे चार्जिंग IC के पास और पावर IC के आसपास और PFO के आसपास और EMMC के पास पूरी शॉटिंग दिख रही है यहाँ पे। अगर हम इसको बैटरी कनेक्टर पे देखते हैं तो यहाँ पे शॉटिंग नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि इसमें जो होती है DC-to-DC कन्वर्टर IC होती है बीच में। अगर आपको ये डिटेल में अगर सीखना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने की 28 तारीख से हमारा नया बैच शुरू होता है और नेक्स्ट बैच हमारा आपको जून में मिलेगा। अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी सीट बुक करवा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि फुल शॉटिंग मोबाइल को किस तरह से इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे एक पावर IC को चेंज किया जाता है, कैसे रिबॉल किया जाता है, तो ये वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, 15 मिनट का थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, लेकिन इसमें आपको शॉटिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं और पावर IC को कैसे रिबॉल करते हैं, कैसे लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और भी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये MI का हैंडसेट है 3S Prime। ये देखिए यहाँ पे पावर IC है PM8937, जिसको मैंने वाइट स्मोक रोजन का यूज़ किया हुआ है। और अभी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे शॉटिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हमने इसे मल्टीमीटर से फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन आपको ये समझाने के लिए कि ये एक्चुअल में गर्म क्या, देखिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक मैंने ग्राउंड कर दिया है मेरे ब्लैक वाले प्रोब को और रेड वाले से मैंने यहाँ पे वोल्टेज दिया है। यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पावर IC गर्म हो रही है। कितना वोल्टेज आपको देना है, कितना इसमें आपको एम्पियर सेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे इंस्टीट्यूट में बताई जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट पावर IC ही ख़राब होगी। यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, एक तो कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है या तो फिर पावर IC। लेकिन हमने यहाँ पे मल्टीमीटर से ट्रेस किया हुआ है, इसीलिए हम आपको डायरेक्ट सोल्यूशन यहाँ दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको सप्लायरों की नॉलेज, अगर कंपोनेंट की नॉलेज, अगर सर्किट की नॉलेज अगर चाहिए, तो हमारा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा आपको, तब हम आपको प्रैक्टिकली में यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों, हम ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए देते हैं कि उनको रिवाइज हो जाए, फिर से याद हो जाए, उनको कुछ हेल्प मिल जाए। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, मैंने इस कैपेसिटर पर जैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ वोल्ट इंजेक्ट किए तो यहाँ पर पावर IC हीट हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर IC हीट हो रही है। हमने मल्टीमीटर से ऑलरेडी इसको ट्रेस किया हुआ है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं इस IC को कैसे आपको निकालना है, कैसे लगाना है। अगर आपको ये सीखना है कि पावर CPU MMC कैसे रिबॉल होती है, कैसे निकलती है, कैसे लगती है, तो आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और देखिए कैसे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर काम किया गया है। वन टाइम में फ्रेंड्स, एक ही बार में आप इस IC को लगा के अपना सेट ऑन कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर अगर ट्रेनिंग लेते हैं, अगर प्रॉपर सीखते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं, तो ज़रूर आप भी इस तरह से एक ही बार में आप फाइंड आउट कर सकते हैं शॉटिंग को और रिवॉल्व करके कोई भी पावर IC लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे CPU है बिल्कुल पावर IC के पास में, और यहाँ पर इसकी EMCP जिसको बोलते हैं EMC, ये भी यहीं पे है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको। जब आप कोई भी IC लगाते हो तो आसपास के कंपोनेंट ना हिलें और आसपास की प्लास्टिक वाली चीज़ों को ध्यान रखना है। CPU में ज़्यादा हीट ना जाए, अगर CPU में हीट चले जाती हैं तो आपका काम, बनने वाला काम बिगड़ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इस पावर IC को चेंज करेंगे। मेरे पास एक और दूसरी पावर IC है, मैं उसे इसे रिप्लेस करूँगा, क्योंकि ये IC को रिवॉल्व करने से आपका काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये आपको हम अपने कोर्स में बताते हैं कि इस IC को लगाने से क्यों हमारा सेट ऑन नहीं होगा, क्यों हमको रिप्लेस करनी ही है IC।
तो यहाँ पे मैंने सीपीयू के ऊपर कुछ शील्ड रख लिए दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं जो पीसीबी में लगी हुई आती हैं उसी तरह से मैंने यहाँ पे सीपीयू को थोड़ा सा ढाँक लिया है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताने के लिए, अगर हम चाहें तो सीपीयू को ना ढाँक के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैं पावर एसी उठाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको हीट कितनी रखनी है, एयर कितनी रखनी है, किस तरह से अपना नोज़ल चलाना है, ट्वीज़र से कैसे एसी को निकालना है। देखिए आसपास में बिल्कुल क्लोज कंपोनेंट लगे हैं, सारे कैपेसिटर रजिस्टर लगे हुए, कॉइल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही एहतियात से यहाँ से इसको निकालना है। ये सब आपके हाथ में, जब आप काम करते जाओगे, जब आप प्रॉपर वे में अगर सीख लोगे दोस्तों, तो ये आपके हाथ में कला है, ये एक ट्रिक है, ये एक तरीक़ा है जो आपको सिखाया जाता है यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में जब आप ट्रेनिंग लेते हो। तो ये PM8937 जो कि इसका पावर ऐसी है, तो यहाँ से अभी हम इसको निकालते हैं। देखिए मैंने अलग से इसको निकाल लिया है यहाँ पे, यहाँ से नीचे से कोई प्रिंट मैंने डैमेज नहीं की है, ऐसी को ख़राब नहीं किया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये ऐसी मैंने यहाँ पे बाजू रख दी है। अभी पूरा प्रोसेस देखिए आप, किस तरह से पीसीबी क्लीन होता है, किस तरह से एक नई ऐसी को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। एक्चुअल में दोस्तों मैं जो भी ऐसी यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ये मेरे पास एक स्क्रैप वाली ऐसी है जिसको मैं फिर से रिबॉल करूँगा और यहाँ पे लगाऊँगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले पूरे कैपेसिटर शॉर्ट आ रहे थे, तो अभी यहाँ पे शॉर्टिंग जा चुकी है। तो यहाँ पे आपको ऐसी निकालने के बाद ये कन्फर्म करना है कि आईसी से ही शॉर्टिंग थी, कि कोई कंपोनेंट तो शॉर्ट नहीं है, कुछ कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप प्रॉपर अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, हम और भी डिटेल में आपको यहाँ पे बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये ऐसी हमने यहाँ पे रख दी हैं और अभी हम पीसीबी को क्लीन करेंगे। और देखिए प्रोसेस किस तरह से क्लीन किया जाता है। यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे, एक डिसोल्डरिंग वायर लेंगे और थोड़ा सा फ्लक्स और एक आयरन की मदद से यहाँ पे हम इसके पीसीबी के बॉल को क्लीन करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आसपास बहुत सारे कंपोनेंट है और क्लीन करने के टाइम आपको इसका ध्यान रखना है कि ये ना निकलें, अपनी जगह से ना हिलें, और यहाँ पे आपको पीसीबी के जो बॉल है इसको डैमेज नहीं करना है। बहुत ही नरम हाथों से, बहुत ही आहिस्ता से इसको करना है आपको क्लीन। और अगर आप यहाँ से कुछ कंपोनेंट हिल भी जाते हैं तो आपको उसे फिक्स करना हम सिखाएंगे, किस तरह से फिक्स करना है। छोटे छोटे कैपेसिटर रजिस्टर कॉइल हिल जाते हैं, फिर आप उसे लगा नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें हम हमारे कोर्स में बताते हैं कि किस तरह से आपको लगाना है, कैसे आपको एहतियात से काम करना है। तो यहाँ पे हमारा पीसीबी क्लीन हो चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे पीसीबी में कुछ बॉलें मिली हुई हैं, कुछ लाइनें मिली हुई हैं। तो ये सब कौन सी बॉलें हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो क्या शॉर्टिंग आ जाती है आईसी के अंदर, या फिर अपना सेट काम करेगा नहीं करेगा, ये सब हम अपने कोर्स में बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पीसीबी को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अगर से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अगर कुछ यहाँ पे रंगा ऊपर रख देता हूँ, एक आध दो बॉल छोड़ देता हूँ, तो ये जो आईसी है ये ग्लास आईसी है, ये बहुत छोटी होती है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर क्लीन नहीं करता हूँ तो ये आईसी हिल जाएगी, उड़ जाएगी, प्रॉपर लगेगी नहीं। तो इसीलिए आपको पीसीबी को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इस आईसी को, मेरे पास एक स्क्रैप का आईसी है जो कि PM8937 है, तो मैं इसे रिबॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको प्रॉपर वे में तो यहाँ आ सकते हैं हम, सीपीयू इमेंसी पावर सब कुछ रिबॉल करना सिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है, क्योंकि प्रॉपर मेरे पास इसका स्टेंसिल नहीं है, तो मैं यूनिवर्सल से यहाँ कर रहा हूँ। तो काफ़ी आसानी से यूनिवर्सल में हो जाती है रिबॉलिंग, क्योंकि आप सारी स्टेंसिल आप परचेस नहीं कर सकते हैं। हज़ारों ऐसी हमारे पीसीबी में लग के आती हैं, तो उतनी सारी हम परचेस नहीं कर सकते। एक एक स्टेंसिल 200 से 250 रुपये की होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी यूनिवर्सल में इसको रिवॉल्व किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लीन करके बताता हूँ, ये देखिए जूम करके बताता हूँ आपको कैसे रिवॉल्व हुई है ऐसी मेरी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपर रिवॉल्व हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बॉल जो है एक्यूरेट एक साइज़ में बने हैं, बड़े छोटे ऊंचे नीचे कुछ नहीं है। आपको यही चीज़ देखनी है, एक ग्लास ऐसी है, आपको बहुत ही नरम हाथों से बहुत ही आहिस्ता से काम करना है। तो
और यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट है नीचे, मैं इसे साफ़ कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो ऐसी है मैंने अच्छी तरह से रिबॉल हो चुकी है और वन टाइम में रिबॉल हुई है फ्रेंड्स। ये सब आप सीख सकते हैं अच्छे से, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे और अच्छे से जो टेक्निक आपको बताई जाएगी उस टेक्निक से आप काम करेंगे तो ज़रूर आपका काम सक्सेस होगा। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए लेफ्ट साइड में जो हमने पहली वाली आईसी निकाली थी वहीं रखी है मैंने पीसीबी पे, और चलिए इस आईसी को यहाँ पे लगाते हैं। तो इस आईसी को लगाने के टाइम हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि इसका नोस्कट पॉइंट किधर है, किस तरह से ये आईसी लगी है। अगर आप नोस्कट पॉइंट भूल जाते हो तो आपको आप ये नीचे के डिज़ाइन के हिसाब से भी आप लगा सकते हो आईसी को, किस तरह से ये आईसी लगी थी। तो ये जो आईसी थी फ्रेंड्स ये इस तरह से यहाँ पे लगी थी। तो यहाँ पे प्रॉपर सेट कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नोज कट पॉइंट होते हैं, कुछ मार्क होते हैं, उसके हिसाब से हमको लगानी होती है। तो यहाँ पे इसे सेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आईसी होती है बहुत ही छोटी होती है, ग्लास आईसी होती है, तो इसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। ये देखिए नीचे एक मेरे पास यहाँ पे एक कॉइल निकला हुआ है, तो मैं इसे आईसी के साथ ही लगाऊंगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये आईसी हम अभी यहाँ पे बिठा देते हैं, उसके बाद देखिए किस तरह से हम यहाँ आईसी लगा रहे हैं। अगर ये सब आपको प्रैक्टिकली सीखना है तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, और कितनी हीट रखनी है, कितनी एयर रखनी है, कैसे नोजल चलाना है, कैसे यूज़, कैसे आपको टेक्निक यूज़ करनी है, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली यहाँ सिखाई जाएगी। और यहाँ देख रहे हैं आप मैं आईसी भी लगा रहा हूँ और नीचे कुछ कंपोनेंट जो कॉइल निकला हुआ है उसे भी साथ में लगा रहा हूँ, दोनों को एक साथ लगाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि कहीं आईसी ज़्यादा ना हिले और दूसरे कंपोनेंट ना निकले। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हमको एक एक कंपोनेंट का ध्यान रखना होता है कि कुछ मिस ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक एक कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट होते हैं कॉइल रजिस्टर कैपेसिटर जो भी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी जगह पे हम निकाल सकते हैं, किसी जगह पे लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लक्स डालता हूँ, अभी आईसी के नीचे जाएगा और अच्छे से आईसी मेरा यहाँ पे बैठेगा। और यहाँ पे मैं अब कॉइल को भी बिठाऊंगा, क्योंकि नीचे जो रंगा है कॉइल का वो बहुत सूखा हुआ है तो जब से मेल्ट नहीं हो रहा था, तो अभी मैंने यहाँ पर फ्लक्स डाला है और ये कॉइल अभी आसानी से लग जाएगा। और साथ ही साथ हम आईसी को फाइनल टच देते हैं, उसको हिला के देखते हैं कि सही से बैठी है कि नहीं बैठी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि बिल्कुल पास ही में सीपीयू है, अगर सीपीयू में हिट जाती हैं तो फिर सीपीयू की बॉलें आपस में मिल जाती हैं, सीपीयू शॉर्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान रख के काम करना है आपको। ये देखिए मेरा कॉइल यहाँ पे बैठ चुका है, चलिए अभी आईसी को चेक करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे अभी आईसी को हिलाते हैं, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं आईसी को हम यहाँ पे हिला के देख रहे हैं, ये देखिए टच कर रहे हैं, फाइनल टच जिसे कहते हैं। तो इस तरह से आप आईसी को हिला सकते हैं, हिला के देख सकते हैं कि सही से बैठी कि नहीं बैठी है। तो चलिए हमारा कॉइल भी बैठ गया है और आईसी भी यहाँ पर प्रॉपर अभी बैठ चुकी है। ये देखिए कैप्चर बाजू का पहले से यहाँ पे हटा हुआ था, तो चलो इसको भी सही कर देते हैं। ये छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको सेट करना होता है, अगर आपस में मिल जाते हैं तब भी वो शॉर्टिंग बताता है आईसी। तो यहाँ पे हमने इसे लगा दिया है, कॉइल कैप्चर दोनों भी हमने यहाँ पे लगा चुके हैं, आईसी हमारी प्रॉपर लग चुकी है। अभी हमने सीपीयू पे जो शील्ड रखी थी उसको हटा दिया है ताकि हमारा सीपीयू ज़्यादा हीट ना जाए सीपीयू में। तो चलिए इसको अभी क्लीन करते हैं, और क्लीन करके देखिए मैंने थोड़ा सा थिनर यहाँ पे यूज़ किया है, और ये थिनर से मैंने पीसीबी को क्लीन कर दिया है। पुराना वाला आईसी वहीं बाजू में रखा है सिम ट्रे के ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, वॉश कर दिया है ताकि कुछ फ्लक्स या फिर कुछ यहाँ पे डस्ट ना रहे, रंगा वगैरह कुछ बॉल ना रहे अंदर। तो चलिए इस वाली आईसी को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
दोस्तों किसी भी एसी को लगाने के बाद आप ज़रूर चेक करें कि आसपास कहीं शॉर्टिंग आ तो नहीं रही है वापस से। अगर शॉर्टिंग वापस से आती है तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपका आईसी सही से नहीं बैठा है, या आईसी आपका ख़राब है, या तो फिर कंपोनेंट से भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं मिली है मुझे, चलिए ये वाला आईसी को मैं हटा देता हूँ। ये देखिए पुराना वाला आईसी मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ इसको, और चलिए यहाँ पे अभी हम पीसीबी जो है हमारा डिस्प्ले फोल्डर में लगा लेते हैं। और फोल्डर में लगा के हम यहाँ पे लगाएंगे, सबसे पहले चार्जर लगाएंगे, और चार्जर लगा के ये चेक करते हैं कि MI लोगो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि MI का जो हैंडसेट होता है चार्जर लगाने से ही उसका लोगो आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नीचे का केबल लगाता हूँ, नीचे का जो पत्ता है चार्जर वाला वो लगा दिया हूँ। उसके बाद PCB को हम यहाँ फोल्डर में सेट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर लगाएं, डिस्प्ले कनेक्टर में हम डिस्प्ले का पत्ता लगाते हैं। चलिए डिस्प्ले का पत्ता भी मैंने यहाँ लगा दिया है। अब मैं एक USB केबल लगाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे चार्जर केबल लगाऊंगा तो सामने MI लोगो आना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी पावर आईसी सही से लग चुकी है और MI लोगो यहाँ पे आ चुका है। चलिए मेरे पास इसका प्रॉपर बैटरी तो नहीं है, मेरे पास दूसरा बैटरी है उसे लगाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बैटरी उल्टा लगाया यहाँ पर रिवर्स में, जो कि वीवो का बैटरी है। मेरे पास प्रॉपर अभी बैटरी नहीं है इसका, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सेट अभी ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए एंड्रॉयड लिख कर आ चुका है और ये सेट बूट कर गया है और अब ये प्रॉपर ऑन होगा। चलिए देखते हैं इसको प्रॉपर ऑन होता है कि नहीं होता है। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्ट टू नेटवर्क ये सेट हमारा प्रॉपरली ऑन हो चुका है। चलिए इसे थोड़ा सा और आगे जाते हैं, सेटअप कर देते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट स्किप करते हैं और इंसर्ट सिम बोल रहा है और इसको नो कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है। और इसी के साथ बने रहे हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच।